हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी डॉट कॉम वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रजेंस डेली द हिंदू वो कैबलरी पावर्ड बाय वो कैब ट्वेंटी फोर एप सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे दैट इज अ अलैस द मीनी ऑफ द कोलेस इज कम टुगेदर टू फॉर्म वन मास और होल टू ज्वाइन इन टू अ सिंगल मास सम्मिलित होना या फिर जुड़ना अगर कई सारी चीज जुड़ के अगर सिंगल मास या फिर एक चीज बन जाती है तो अपन उसको बोलते हैं कोअलेंस सिनेम एस के यूनाइट जॉइंट टुगेदर, कंबाइन मर्ज अमलगमेट, कंसोलिडेट, कंसॉलिडेट इंट्रीगेट या फिर अफिलिएट और एंटीनम से डिवाइड सेपरेट डिटैच डिसकंटेंट डिसकनेक्ट डिसजॉइंट या फिर डिसअसोसिएट अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल ओलिविया स्टेड इन टू द डिस्टेंस एंड कंसनट्रेटेड होपिंगट ऑल हर रैंडम थाट्स वुड सम हाउ कोस इन टू वन ब्रिलियंट आइडिया यानी कि ऑलिवया खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि सारे थॉट्स उसके समभाव इकट्ठे हो जाएं और एक ब्रिलियंट आइडिया बन जाए अब इसके वर्क फॉर्म्स लेंस, वर है कोएलेंस कोस्ड एंड कोलेंस्ड और लेटेड वर्ड है कोएलेंस जिसका मतलब है संग्लय होना यानी कि इकट्ठा होना अब देखते हैं इसकी ट्रिक याद करने कोल तो की कोल का बोगी कोयलेंस हो गया तो देखिए कोल का बोगी कोएलेंस हो गया कोल का बोगी आपने देखा होगा कई बार ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कई सारे में डिवाइडेड होता है और सबको इकट्ठा करके उसको ट्रेन के अंदर फिट किया जाता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके तो कोल का बोगी क्या हो गया कोस हो गया यानी कि इकट्ठा हो गया देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं ओके देखिए यहाँ पे भी कोल आ रहा है यहाँ पे भी कोल आ रहा है तो कोल का बोगी कोस हो गया तो आप इस तरीके से इसको इजीली याद कर सकते हैं जिसका मतलब है इकट्ठा हो गया कोल का बोगी इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होने के बाद ही वो आगे मूव होगा और एज ए ट्रेन में उसको उसको लेके जाएगा अब देखते हैं अगला इम्पेंडिंग बी अबाउट टू हैपन गोइंग टू अकर आसन यानी कि जो आने वाली चीज है जो होने वाली चीज है आपके पास में उसको अपन बोलते हैं इम्पैंड सिने इमीनियंट क्लोज नियरिंग अप्रोचिंग कमिंग फोर्थ कमिंग या फिर अपकमिंग फोर्थ कमिंग यानी कि आने वाली कोई चीज और एंटीनम्स है गॉन पास्ट डिस्टेंट लेटर या फिर रिमोट अब देखते हैं एग्जाम्पल वेन आई रिफ्यूज टू पे द फेक फॉर्चून टेलर शी वॉन्ट मी ऑफ इम्पेंडिंग डूम इन माई फ्यूचर यानी कि जब मैंने फॉर्चून टेलर को पे करने से मना कर दिया तो उसने कहा कि अब तेरा बुरा वक्त आएगा यानी कि बुरा फ्यूचर आने वाला है अब इसके वर्क फ्रॉम से इम्पेंड इम्पेंडेड एंड इम्पेंडेड और रिलेटेड वर्ड है इम्पेंड जिसका मतलब है समीप आ जाना अब देखते हैं इसके ट्रिक ज़्यादा काम पेंडिंग रखेगा तो इम्पेंडिंग हो जाएगा अब देखिए कितनी आसान ट्रिक है इसको कितना इजीली आप याद कर सकते हैं कि ज़्यादा काम पेंडिंग रख लिया अगर आपने तो आने वाले टाइम में क्या होगा आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओके तो इम्पेंडिंग हो जाएगा आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा काम इंपेंडिंग हो जाएगा ओके तो ज़्यादा काम पेंडिंग रखेगा तो इंपेंडिंग हो जाएगा यानी कि बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और आने वाले टाइम में काफ़ी काम करना पड़ेगा तो इस तरीके से आप पेंडिंग को और इंपेंडिंग को रिलेट करके इसका मीनिंग पता कर सकते हैं कि ज़्यादा काम पेंडिंग रखेगा तो इम्पेंडिंग हो जाएगा यानी कि काम बहुत सारा आ जाएगा रिप्रकर्शन द मीनिंग ऑफ द रिप्रकर्शन इज एन अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन स्पेशली एन अनवेलकम वन प्रतिक्रिया ओके कोई आने वाले कोई चीज होती है कॉन्सिक्वेंस होते हैं रिजल्ट होते हैं किसी भी इवेंट के उसको अपन बोलते हैं रिप्रकर्शन सिनम एस के कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट इफेक्ट आउटकम और एंटेन कॉज या फिर रीजन अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल द पीपल इन माई नेबरहुड विल नॉट रिपोर्ट द क्राइम लॉर्ड क्राइम लॉर्ड्स एक्टिविटीज बिकॉज दे आर अ फ्रेड ऑफ ए पॉसिबल रिप्रकर्शन यानी कि जो पीपल इन माई नेबरहुड यानी कि मेरे जो पड़ोसी है वो रिपोर्ट नहीं करेंगे क्राइम की लैंड लॉड की एक्टिविटीज़ की बिकॉज वो डरते हैं कॉन्सिक्वेंसेज से अब इसके रिलेटेड वर्ड है रिप्रकशन रिप्रक्यूसिव यानी कि प्रतिक्रियात्मक अब देखते हैं इसकी ट्रिक जैसे बुक के प्रकाशन वैसे ही रिप्रकशन देखिए जैसे बुक के प्रकाशन यानी कि जैसे बुक के जो ऑथर होंगे इसको जो पब्लिशर होंगे उसके रिजल्ट बुक के वैसे ही होंगे ओके okay, कई बार आपने देखा होगा जो बेकार बुक्स होती हैं जिस जिसपे ज़्यादा पढ़ने से कोई पेपर में एग्जाम क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें से तो उसके रिजल्ट भी वैसे होते हैं ओके वो ज़्यादा सेल सेल आउट नहीं होती है वो बुक्स तो जैसे बुक के प्रकाशन होंगे वैसे ही रिप्रकेशन वै, होंगे यानी वैसे ही उसके रिजल्ट होंगे तो देखिए प्रकाशन को और रिपर्केश्शन से रिलेट करके इसको इजीली याद कर सकते हैं कि जैसे बुक के प्रकाशन यानी कि पब्लिशर होंगे वैसे ही उसके रिजल्ट होंगे उस बुक तो के कितना पेपर में आता है या नहीं आता है ये उसी पर डिपेंड करेगा जितने अच्छे प्रकाशन वाले प्रकाशन होंगे पब्लिशर होंगे इतने अच्छे उसके रिजल्ट होंगे तो मैं यहाँ पर प्रकाशन और रिप्रकाशन को रिलेट कर रहा हूँ और इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं और अभी तक अगर फ्रेंड आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और हेल्प कर सके आपके आने वाले पेपर के लिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला वर्ड बीमॉन्न द मीनिंग ऑफ द बीमॉन्ड इज एक्सप्रेस डिसकंटेंट और सॉरो ओवर समथिंग टू एक्सप्रेस डिस पछताना रोना धोना किस चीज को लेके बार बार अपने आप को बहुत ही बहुत ही एंग्री कर लेना गुस्सा कर लेना डिसप्लेजर कर लेना उसको अपन बोलते हैं बीमोन सिन्नमेस इसके लैमेंट बीवेल डिप्लोर रिग्रेट अबाउट मॉन या फिर ग्रीव ओवर और एंटेनम्स है ग्लोट रियालिश डिलाइट एंड एन्जॉय अब देखते हैं इसका एग्जांपल व्हेन द टीचर सॉ द टेस्ट ग्रेड्स शी बिगैन टू बी मॉन हर स्टूडेंट्स लैक ऑफ प्रिपेरनेस यानी कि जैसे टीचर ने ग्रेड देखी टेस्ट की बच्चों की तो वो बच्चों के ऊपर चिल्लाने लग गई रोने धोने लग गई ओके कि उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया पेपर के लिए अब देखते हैं इसके वर्क फॉर्म्स बिमोंड, बिमोंड एंड बिमोंड। अब इसकी ट्रिक है जब गर्लफ्रेंड बीम करे तो आपको मौन रहना है देखिए जब भी गर्लफ्रेंड रोती धोती है अगर कोई सी बात के ऊपर तो हमेशा सामने वाले को उसके बॉयफ्रेंड को मौन रहना चाहिए क्योंकि तो अगर कुछ बोलेगा तो क्या होगा आर्ग्यू आर्ग्यू हो जाएगा दोनों के बीच में तो जब गर्लफ्रेंड मौन बीम करे तो आपको मौन रहना है तो देखिए बीमोन और मौन एक जैसे वर्ड्स हैं जिससे आप इसका इजीली मीनिंग पता कर सकते हैं तो बीमॉन का मतलब है पछताना रोना धोना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस करना तो जब गर्लफ्रेंड बीमॉन करे तो आपको मौन रहना है तो मौन यानी कि चुप रहना है ओके okay, मौन यानी कि चुप रहना है साइलेंट रहना है तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि जब गर्लफ्रेंड फ्रेंड भी मौन करे तो आपको मौन रहना है देखते हैं अगला वन अनस्क्रिप्टियस हैविंग और शोइंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स अनकंसर्न अबाउट वॉट इज राइट अनएथिक ओके किसी के पास कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है एथिक्स नहीं है तो उसको अपन बोलते हैं अनस्क्रिप्लियस सिने के अनप्रिंसिपल्ड अनएथिकल इमोरल अमोरल या फिर कॉन्साइसलेस और एंटेनम्स है डिसेंट एथिकल फेयर गुड एंड ऑनेस्ट अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल बिकॉज अ डॉक्टर वॉज एन अनस्क्रिप्टियस मैन ही ऑफन चार्ज इस पेशेंट फॉर टेस्ट ही डिड नॉट परफॉर्म यानी कि जो डॉक्टर था वो बहुत ही अनएथिक था उसके पास मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं थे इसीलिए जो टेस्ट वो नहीं करता था उसके भी वो चार्ज लोगों से ले लेता था, था अब देखते हैं सिलेटेड वर्ड अनस्क्रिप्टलेसली यानी कि अनैतिकता से और अनस्क्रिप्टलेसनेस यानी कि अनैतिकता अब देखते हैं इसकी ट्रिक बार बार सूप गिराता है पार्टी में अनस्क्रिप्टलियस है तो एक पर्सन है जो कि बार बार सूप गिराता है पार्टी में लोगों की शर्ट लोगों की कोट खराब करता है बार बार सूप गिराता है पार्टी में तो कैसा पर्सन है अनस्क्रिप्टलियस पर्सन है ओके तो बार बार सूप गिराता है पार्टी में तो कैसा है अनस्क्रिप्टलियस है तो सूप को मैं यहाँ पे अनस्क्रिप्टलियस सेलेट कर रहा हूँ ओके जिसका मतलब अनैतिक जिसके कोई बार प्रिंसिपल्स नहीं है जिसको कोई सोच समझ नहीं है क्या सही है या फिर क्या गलत है तो बार बार सूप गिराता है पार्टी में अनस्क्रिप्टलियस है तो आप इसके इस तरीके से इसको इज़ीली इस याद कर सकते हैं फ्रेंड्स ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बिकॉज इस यहाँ आपको मिलता है ए टू जेड ड्राइव कोर्स जिसके अंदर आपको मिलेंगे सिक्सटी वीडियोज ऑफ थ्री वर्ड्स In which you will get a very short trick and you will easily be able to remember all the vocabs. Apart from it, you will get a meaning in Hindi, synonyms, example, images. If you access this course via vocab 24 app, you will get in 497 rupees. And if you want this in a pen drive of 8 GB pen drive, you will get in rupees 999. If you have any query or you want to call, you can use this number that is 702 -33 -33 पर्नीशियस हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ए ग्रेजुअल और सब्टाइल वे हानिकारक अगर किसी चीज के बहुत नुकसान हो रहे हैं और कोई चीज हानिकारक है हार्मफुल है तो उसको अपन बोलते हैं परनीशियस अब देखते हैं इसके सिनानम्स हार्मफुल डैमेजिंग इंजूरियस हर्टफुल टेट्रीमेंटल अनफेवरेबल या फिर बैड एंड मलाइन और एंटीनम्स है एडवांटेशनिफिशियल बेनिवलेंट गुड एंड हार्मलेस अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल वायलेंस इन द वर्क प्लेस इज पर्नीशियस टू एन एम्प्लॉय नीड फॉर सेफ्टी यानी कि वायलेंस है वर्क प्लेस में बहुत ही हार्मफुल है ओके और एम्प्लॉयज को क्या चाहिए सेफ्टी के लिए उसकी अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड्स पनीशियसली यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रूप से अब देखते हैं इसकी ट्रिक पढ़ेगा नहीं तो पनीशियस इफेक्ट हो जाएगा अगर कोई पढ़ेगा नहीं देखिए कितनी आसान ट्रिक है आप इसको कितना इजीली याद कर सकते हैं इस वो कैब को कि जो पढ़ेगा नहीं तो उसके इफेक्ट कैसे होंगे बहुत ही हानिकारक होंगे ओके ये बात सभी को पता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है तो पड़ेगा नहीं तो पर्निशियस इफेक्ट हो जाएगा यानी कि बहुत ही हानिकारक इफेक्ट हो जाएगा तो आप इसको इस तरीके से इजिली याद कर सकते हैं कि पड़ेगा नहीं तो पर्निशियस इफेक्ट हो जाएगा यानी कि बहुत ही हानिकारक इफेक्ट हो जाएगा अब देखते हैं अगला एड्यूज एड्यूज मीनस होता है एडवांस evidence फॉर साइट एज एविडेंस टू ऑफर एन एग्जाम्पल रीजन और प्रूफ इन डिस्कशन और एनालिसिस प्रस्तुत करना कोई चीज को इलेस्ट्रेट करना प्रूव करना देना उसको अपन बोलते हैं एड्यूस करना में इसका साइट इलेस्ट्रेट प्रूव शो या फिर पॉइंट आउट और से हाइट या फिर कंसील अब देखते हैं इसका एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ ए ट्वेल्थ मंथ स्कूल ईयर द कमिटी एड्यूज डाटा फ्रॉम अदर स्कूल डिस्ट्रिक्ट अब देखते हैं इसके वर्क फॉर्म्स एड्यूज एड्यूज एंड एड्यूज और रिलेटेड वर्ड है एड्यूसमेंट यानी कि निष्कर्ष अब देखते हैं इसके ट्रिक अच्छे इविडेंस ऐड करो एड्यूज के लिए कोर्ट में तो अच्छे इविडेंस ऐड करो हमेशा अच्छे इविडेंस ऐड करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा एड्यूज करना है तो यानी कि अपने जो इविडेंस है कोर्ट में केस है उसको अच्छे से प्रस्तुत करना है तो अच्छे इविडेंस ऐड करने पड़ेंगे तो अच्छे इविडेंस ऐड करो एड्यूज के लिए कोर्ट में तो देखिए यहाँ पर भी ऐड आ रहा है और यहाँ पर भी ऐड आ रहा है तो आप इस तरीके से इसको इजिली याद कर सकते हैं कि आपको अच्छे इविडेंस एड करो करने पड़ेंगे अपने अच्छे एड्यूस के लिए अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट में अपने केस को तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं देखते हैं अगला स्टेमी द मीनिंग ऑफ द स्टेमी इज प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ किसी चीज को रोकना गतिरोध करना अवरोध करना उसको अपन बोलते हैं स्टैमी सिंपीड हिंडर ऑब्स्ट्रक्ट इनिबिट स्टॉप ब्लॉक या फिर क्रिपल और एंटीन से एड असिस्ट फॉरवर्ड हेल्प या फिर सपोर्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल ए रॉन्ग मूव बाय द गवर्नमेंट एज इट विच इज वेदर टू रेज इंटरेस्ट रेट दिस इुड स्टैमी द इकोनॉमिक मोमेंटम ओके तो यानी कि गवर्नमेंट का एक रॉन्ग मूव था और गवर्नमेंट ने गलत अंदाज़ा लगाया कि रेट इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा इंक्रीज करने से क्या हुआ गतिरोध हो गया देश की इकोनॉमी मोमेंटम अब देखते हैं इसकी वर्क स्टैम स्टैमी स्टैमिड एंड स्टैमिड और उसकी ट्रिक देखिए घड़ी में गलत टाइम आपके टाइम को स्टैमी करते हैं तो अगर किसी की घड़ी में बहुत गलत टाइम आ रहा है तो वो आप उसके टाइम को क्या करेगा ही करेगा गतिरोध कर देगा प्रोग्रेस को रोक देगा क्योंकि घड़ी में गलत टाइम की वजह से आपने कुछ गलत जजमेंट ले लिया और आप कहीं पे नहीं पहुंच पाए टाइम पे तो घड़ी में गलत टाइम से आपके टाइम को स्टैमी करते हैं तो आपके टाइम को क्या करते हैं स्टैमी करते हैं यानी कि आपके टाइम को रोकते हैं ओके तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं देखिए यहाँ पे भी टाइम आ रहा तो है और यहाँ पर स्टेमी आ रहा है तो टाइम और स्टैमी एक जैसे वर्ड्स हैं तो घड़ी में गलत टाइम आपके टाइम को स्टैमी करता है यानी कि रोकता है एक्यूसुएंस अगला वो है एक मतलब लेटेंट एक्सेप्टेंस और समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट सहमति या अनुमति किसी चीज की सहमति करना किसी चीज के विदाउट प्रोटेस्ट से चाहे वो सही हो गलत हो कुछ भी ऐसा होता है और आप सहमत कर लेते हैं उस चीज से तो उसको अपन बोलते हैं एक्यूसियंस एंटीनम इसके परमिशन कंसर्ट कन्फर्मिटी अलाउ असेंट एक्सेप्टेंस या फिर कंकनेंस और एंटेन डिसग्रीमेंट डिसेंट रिफ्यूजल डिनाइल या फिर असिस्टेंस अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल ही इमिजिएटली एक्विस्ड द ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एज ही हैड नो अदर चॉइस यानी कि वो एकदम से मान गया प्रॉपर्टी सेल करने के लिए क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था राजी होना अब देखते हैं, इसकी ट्रिक। होते हैं वो लोग जो गलत बात को घधे तो होते, होते हैं वो लोग डोंकी ओके तो गधे होते हैं एस को मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ देखिए एस और एक्वेस एक जैसे वर्ड्स हैं तो ऐसे होते हैं वो लोग जो गलत बात को भी एक्वेस करते हैं यानी कि मान लेते हैं जो गलत बात को भी मान रहा है वो कैसा है बहुत गलत आदमी है ओके okay, तो अपन क्या बोल रहे हैं गलत बात को भी मानने को एक्वेसेंस बोल रहे हैं कि ऐसे होते हैं गधे होते हैं वो लोग जो गलत बात को भी एक्वेसेंस करते हैं यानी कि मान लेते हैं तो आप इस तरीके से इसको दिल याद कर सकते हैं देखते हैं लास्ट वन डेन द मीनिंग ऑफ द डेन इज टू डू समथिंग दैट वन कंसिडर्स टू बी द बैनर थ्रू वन डिग्निटी योग्य समझना नम्रता दिखाना नम्रता दिखाना कोई अच्छी से हम्बलनेस से बात करना उसको अपन बोलते हैं डेन सिन्ने में इसकी फिर कंसिटेट अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल आई वुडेंट डीन टू आंसर दैटर्ड एबसर्ड एक्शन एज इट डिजेंट मैटर एट ऑल ओके यानी कि वो आंसर करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उस एबसड एक्शन का जो उसको बिल्कुल भी उससे फर्क नहीं पड़ता है अब इसकी वर्क फॉर्म से डेंड दें, डेंड एंड डेंड और ट्रिक देखिए अब इसको याद करने की आपने मेरे घर को डिजाइन किया डेन दिखाया तो अगर कोई किसी के घर को डिजाइन करेगा तो क्या दिखा रहा है डेन दिखा रहा है जैसे कि ये पर्सन है किसी ने के फ्रेंड को किसी के फ्रेंड ने किसी का घर डिजाइन किया है उसके फ्रेंड का तो उसने क्या दिखाया डेन दिखाया है बहुत ही हम्बलनेस दिखाई है ओके आपने मेरे घर को डिजाइन किया डेन दिखाया यानी कि बहुत अच्छा नर्मता दिखाई योग्य समझा आपने मेरे को तो उस चीज को अपन बोल रहे हैं डेन दिखाना ओके okay, फ्रेंड्स वापस एक बार रिवाइज करते हैं सो दैट यू विल बी इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल द वो कैप्स डेन का मतलब है कि नर्मता दिखाना एक्यूसियंस का मतलब है मान लेना विदाउट किसी प्रोटेस्ट के स्टैमी गतिरोध एबड्यूज प्रस्तुत करना पर्निशियस हानिकारक अनस्क्रिप्लियस अनएतिक बिमोन रोना धोना पछताना रिपरकशन यानी कि प्रतिक्रिया देना इम्पेंडिंग जो आने वाला वक्त है बी अबाउट टू हैपन और क्वेलेंस यानी कि सम्मिलित होना तो दोनों में मिल जाना किस चीज़ में इकट्ठा हो जाना सो so फ्रेंड्स पहले देखते हैं अपन हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डेट था प्रीवियस उसका आंसर क्या है जो कि ज्यादातर लोगों ने उसका आंसर सही बताया है सो so फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डेट जो कि हमने 29 जैन टू के सेशन में पूछा था सेलेक्ट द वर्ड विच मेक्स अ सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट वेन जेक थिंग्स ऑफ ऑल द एक्ट्स ऑफ डैश ही कमिटेड इन कॉलेज ही इज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ तो यहां पे जो आंसर था जो कि कई लोगों ने सही दिया है वो है बी डिप्राइविटी इसका आंसर है और देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे सेलेक्ट द वर्ड विच मेक्स द सेंटेंस मीनिंगफुली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट

So friends, thank you and all the best for the upcoming exam. Hope you like this video.